ओके जी, वेलकम बैक बडीज। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे पोटर्स डायमंड मॉडल। ठीक है, पोटर्स डायमंड मॉडल जो है वो हम लोग यूज करते हैं। माइकल पोर्टर ने जी ये मॉडल लेकर आया ताकि हम लोग नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पे के अपनी लोकल कॉम्पिटिटिवनेस को एनालाइज कर सकें। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो डायमंड शेप में हमारे पास ये फोर फैक्टर्स आ जाते हैं: फर्म स्ट्रेटेजी, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, डिमांड कंडीशंस और फैक्टर कंडीशंस। फैक्टर कंडीशंस हमारे पास सबसे पहले जीन के अंदर आ जाती हैं। जो वो रिसोर्सेज होती हैं जो के आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है, जो कि आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हो सकती हैं जैसे कि जी स्किल्ड लेबर करें, लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, टेक्निकल एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल बात करते हैं जी दुबई की, क्योंकि दुबई या यूएई आप कह लें जी, एक अच्छी कंट्री है टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, होटल्स अच्छे हैं, रोड्स अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है। सही है। उसके बाद जी हमारे पास आता है डिमांड कंडीशंस। डिमांड कंडीशंस का क्या मतलब है जी? कि हमारे पास लार्ज डिमांड है फॉर प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स की लार्ज डिमांड है इंडस्ट्री की। फॉर एग्जांपल अगेन दुबई यूएई की तरफ जाएं तो वहाँ पे टूरिज्म की अच्छी डिमांड है, बड़ी डिमांड है। फिर हम लोग बात करते हैं रिलेटेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज। ये वो रिलेटेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो के ऑलरेडी ऑलरेडी आपके एक्सपोर्टर्स के लिए मौजूद हों, एक्सपोर्टर्स के लिए चाहे वो, या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए आपके लिए एक फेवरेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। जैसे जी टूर दुबई की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए? टूरिज्म के लिए जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं भाई, होटल्स, साइट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ये रिलेटेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जो कि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी है और वो वहाँ पे मौजूद है। फर्म स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी की अगर हम लोग बात करें फर्म स्ट्रेटेजी की, तो इसमें जी क्या चीजें आ जाती हैं? गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का एटीट्यूड, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कंपनीज किस तरह, हाउ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेट, ये फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं जो कि जरूरी होते हैं पोर्टर डायमंड के, जिससे हम लोगों को नेशनल कॉम्पिटेटिव पता चल जाती है। अब हमने ये पोर्टर फाइव फोर्सेस कब लगाने हैं? जब भी हमें इंटरनल एनालिसिस का बोला जाए तब हमें जो है वो पोर्टर्स डायमंड मॉडल लगाना होता है। सो होपफुली क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।